आस पड़ोस से दूर दराज से पधारे हुए हैं। मेरे पिता के स्वरूप, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान मेरे बाबा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी भी मेरी मातृशक्ति मेरी आवाज को श्रवण कर पा रही है, जितने भी नौजवान भाई इधर उधर खड़े हैं और बैठे हुए माननीय पंच कमेटी में बैठे हुए हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब, सभी के श्री चरणों में एक बार फिर से कुमारी लक्ष्मी सिंसिनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत्सत कोट नमामि नमस्कार राम राम साहब। सज्जनों, आप सभी के समक्ष में यह चिकड़ी भजनों का, चिकड़ी प्रतियोगिता का द्वितीय दौर यानी कि बाबा साहब दूसरा दौर जारी है। हर कलाकार आपके सामने अपनी कला प्रस्तुत करता हुआ जा रहा है। भैया जी, मैं तो बाबा साहब आपके इस क्षेत्र के बच्ची हूं, ज्यादा दूर से भी नहीं आई, लेकिन भैया जी आगामी कलाकार बड़ी प्यारी बात आप सभी के समक्ष में रख करके गए। लेकिन बाबा साहब गौर कीजिएगा, जिकड़ी और जिकड़ी की अगर मर्यादा बना दी जाए तो बाबा साहब आप सभी लोग विद्वान हैं और सभी लोग इस बात को जानते हैं। अधिकांशतः कलाकार बंधु आप सभी के समक्ष में इस बात को बताते हुए भी जा रहे हैं कि जिकड़ी की मर्यादा बाबा साहब साखी से होती है और साखी कलाकार आपके समक्ष गा भी रहे हैं। लेकिन भैया जी, हर कलाकार का तरीका, हर कलाकार का लहजा, हर कलाकार का ढंग बाबा साहब अलग अलग होता है। हम भी आपके लिए साखी सुनाएंगे, लेकिन सुनिएगा साखी और बाबा साहब साखी जवाब दे रही। भैया सुनिए कैसे। भैया जी कहना है क्या और कहा, अरे अरे जी और सुनियो गुरु महाराज जी, और ये सकल समाज अरे हो और ये सकल समाज हो और ये सकल समाज रे करे जो और सभा में ऐसे कहा क्या, अरे माने
खुशी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी कहां क्या और कहां अरे भव्य भवन मोहे फलक है ननी के अरे भव्य भवन मोहे फलक है ननी के ओ खटरस हां खटरस ओ खटरस भोजन पड़ गए भीके वो खटरस भोजन पड़ गए भीके। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार रामजीत सिंह तरकमा निवासी हमारा आदरणीय बाबा साहब दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी कहा वो खटरस भोजन पड़ गए भीके क्यों उठाते ओ भाई प्यारे ओ, 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 क्या अरे कष्ट उठाते और भाई प्यारे और वो बुरे हाँ बुरे वो बुरे है लगे सुख साधन सारे क्यों है बुरे है लगे सुख साधन सारे लेकिन भैया जी कहा क्या अरे वही दीनन के रखवारे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय बाबा साहब शिवराज सिंह जी घाटरी निवासी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी कहा क्या बस रहे प्राण हमारे। 51 रुपए का पुरस्कार सौदान सिंह जी डायरेक्टर साहब हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद की कामना करेंगे। भैया जी कहा क्या इनमें ही बस रहे प्राण हमारे और कहा I'm
करें, जहां पर कि मैं अपना प्रसंग, अपना जिक्र अपनी कहानी में छोड़कर कह गई थी। हाँ जी भैया जी, हेलो भैया, हेलो, पूरी सवाई बंद कर रही तब तो भैया, धन्यवाद, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहब ध्यान को उसी जगह केंद्रित कर ले। आज होता क्या है अंजना, आज बाबा साहब जैसे ही अपनी सास केतमती की सारी बातों को सुनती है, केतमती ने कह दिया, बेटी तेरे गर्भ में ये ना जाए या जो औलाद है। जब इन सारी बातों को बाबा साहब आज सुना अंजना ने, केतमती ने कहा कि बेटी सुन, मेरे घर में, मेरे इस महल में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। आज जब इतनी बातों को अंजना ने सुना, आज बाबा साहब अर्थ में जवाब दिया, और ये 100 रुपए का पुरस्कार हवलदार शिवराम सिंह जी मनसापुरा निवासी हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। भैया जी, आज अंजना ने अर्थ में कहा कि सुन सासु मां, जवाब दे रही है कि सब गहने वस्त्र उतार दो, सब गहने वस्त्र उतार दो और माता श्रृंगार उतारो ना, अरे मैं महलों से काग उड़ा लूंगी पर घर से बाहर निकालो ना पति मुझे, हे मां पति मुझे दोषी माने तो मन मानी सजा दिलवा देना, अरे मेरे तन के टुकड़े कर करके माँ कुत्तों को फिरवा देना। आज सज्जनों, और जवाब दिया उस माँ से, और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार रामा मेंबर साहब घाटरी निवासी देने, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी, आज केतमती कहती है, केतमती कहे निकल यहाँ से, केतमती कहे निकल यहाँ से और मत सूरत मोए दिखावे और नैनन से नीर बहावे। और ये इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार मोतीराम जी ठेकेदार घाटरी निवासी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। सजनों, आज जैसे ही बाबा साहब इतनी बातों को, और ये 111 रुपए का पुरस्कार शेर सिंह ठेकेदार जी घाटरी निवासी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी, आज अंजना ने कहा कि ऐ सासु मां, मुझे इस महल से बाहर मत निकालिए, एक बहू, एक लड़की, एक बेटी जब महल से बाहर निकल कर जाती है, अपने ससुराल से निकल कर कह जाती है, उसका इस संसार में नाथ बाबा साहब कोई सम्मान होता है। सज्जनों, सारी बातों को केतमती ने सुना, एक नहीं मानी, और आज बाबा साहब अंजना जवाब दे रही है केतमती को, और सुनिएगा किस प्रकार से भैया जी और क्या कह रही है। और ये ले निर्दोषिन पे दोष लगावे, और ले तू मत मेरी सासु, छोड़ के
छोड़ के चली महल त्यारे और हेरो वही करेंगे और वही करेंगे ना जगत के जो पालन हारे वही करेंगे ना जगत के जो पालन हारे लेकिन कहा क्या परेखे ओ परेखे दिल ही दिल करती या और इसी बीच 111 रुपए का पुरस्कार तेजपाल ठेकेदार जी घाटरी निवासी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। कहा क्या ओ परेखे हाँ परेखे दिल ही दिल करती बचेगी दासी ला
सभी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। भैया जी कौन सी खाम था से सोते को जगाने में मजा क्या है खाम था। क्यों भैया वो प्यार पे बात का झगड़ा बड़ा सुनेंगे गाना। और भैया जी गाना भी क्या बड़ा ही प्यारा गाना। ये नहीं अगर मैं आपके समक्ष पिछली बार आई थी तो पिछली बार जो गाने गाए उन्हीं को गाऊं। बाबा साहब गाने एकदम नया और ऐसा गाना जो आपको सोचने पर विवश करेगा आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। भैया जी विचार करें हमारे बुजुर्गों की कुछ लोकोक्ति है कुछ बड़ी ही प्रचलित बातें हैं। अगर बाबा साहब घर में कोई भी लड़की आपकी कहीं ना माने तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह में छोरी मूड पे चढ़ गई है जी। लेकिन बात केवल ये लोकोक्ति नहीं है यह बात शास्त्रों में दर्ज है। और वास्तविक रूप से कब हुआ ऐसा जब एक लड़की एक औरत एक नारी अपनी खोपड़ी पर चढ़ गई। भैया जी सुनिएगा बड़ी प्यारी बात। लेकिन वीरेंद्र भैया आप लोगों को फिल्मी दुनिया वालों की तर्ज सभी लोग बताते हुए जा रहे हैं लेकिन भैया जी मैं भी बताती हूँ एक तर्ज जो हमारे बड़े ही पुराने जो बुजुर्गगण बैठे हैं उनके समय की है और उस तर्ज के बोल भैया जी कैसे और क्या जवाब। और दिल लगी ने दी हवा क्या कहा ए, दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। क्यों और वो तेरी मेरी दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती वो प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती। लेकिन बात अभी तो तुम्हारे सिर्फ जीभ और मोड़ो ही हल रहे हैं अभी सुनिए बात केवल शास्त्र की। भैया जी और बात क्या हुई कहा बेतुके हालात में बात की एक बात में बेतुके हालात में और बात की एक बात में बात इतनी बढ़ गई और कितनी बढ़ गई। और ये वो चरणों में रहने वाली चरणों में रहने वाली चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णु बली। क्या है रह नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णु बली।
नदी शिव न धारा, शिव न धारा, शिव न धारा, शीत पर तो धारा बन गई है नदी। भैया जी और पाहे जब न रास्ता ये जाने दुनिया दास्ता, पाहे जब न रास्ता जाने दुनिया दास्ता। और वो चरणों में रहने वाली, अब चरणों में किनके रहती थी? आप सभी लोगों ने सुना जब भगवान विष्णु ने बामन जी का अवतार लिया तो बामन भगवान के चरणों के नाखून से बाबा साहब गंगा जी का अवतरण हुआ। और वही गंगा जी जब भागीरथ ने तपस्या की तो बाबा साहब भोलेनाथ जी के कहां चढ़ गई? खोपड़ी पे। इसीलिए कहा हो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली और खोपड़ी पे चढ़ गई, हो चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, हो चरणों में रहने वाली। लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, क्या है रे? लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, श्राप दिया था विष्णु को, विष्णु जी को बखला। क्यों भैया? है रे जाहे ना ये दुख सहा और संकट है पड़ रहा, दुख सहा संकट है पड़ रहा। अरे ऐसा हुआ कमाल, अरे देखो ये नारी कैसे हो मेरे मथे मड़ गई, और वो चरणों में रहने वाली, अब चरणों में किनके रहती थी? लक्ष्मी जी चरणों में रहती थी विष्णु भगवान के। और जब वही विष्णु भगवान बने शालिग्राम और लक्ष्मी जी बनी वृंदा यानी तुलसी, तो आज भी यही परंपरा है, तुलसी शालिग्राम जी के कहां चढ़े? खोपड़ी पे। इसीलिए कहा और वो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़े गई, चरणों में रहने वाली। की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, क्या है रे? ताड़का की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, पहनी थी, पहनी थी श्री राम ने तो प्रीति हो गई है घनी। जो भाई को मनाते भाई और भाई से ही पाए भाई, भाई को मनाते भाई, भाई से ही पाए भाई। और क्या? अरे भाई के द्वारा देखो, हाँ भाई के द्वारा देखो ये कैसे पड़ गई, और चरणों में रहने वाली। अब एक बात, पादुकाएं सबसे पहले चरणों में किनके रहती थी? भगवान श्री राम के। और जब समय पड़ा, समय ने करवट ली, वही पादुकाएं और भरत जी के कहां चढ़ गई? खोपड़ी पे। इसीलिए कहा है रे चरणों में रहने वाली। और बात अगर तीनों बात आपके दिल को छू गई हो, बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, ज्यादा कुछ नहीं चाहती आपकी बेटी, सिर्फ इतना
लेकिन जब मेरा गाना समाप्त हो तब भैया जी कहा और वो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली और खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। जम्बो कटारिया कारवां से